इस्लाम खाद में किस्सा इजराइल के करके दुनिया करे सिर्फ दिन जे प्रचार वाले निकला वो उनन खाई वो सूफ जो लगा के पर मुस्लिम सूफ एंड बिठो है को मैं शुरू कर इसी तरह अर अर बेरोनी मुस्लिम फकीर है उन जो ये जो है सूफी वाक्य की जुबान रसूल की बनता है जी जी माना है राहो पर जब ऐसा कुछ बड़ी फसल जीवन में आया तब सूफ लफ्ज यूनानी बन गया था मुसलमान बुनियादी जिनके मुख्तसर लफ्ज़ में ये असर चाहिए समझा तो खुद शनासी का सफर शुरू थे तो खुद शनासी को खुदा शनासी को इंसान दोस्ती और खिदमत का ये उन्होंने जो आप बगैर नहीं देखे से ये ख्याल है ये तक ये यो करवाए पर सिंध के तो सब से खुशी मिली थी ये के था बहुत बस्ती लोग ना लोग जो था लतीफ साहब एक बार आपको सही और खबर कह दी सिंध के तो सब में बदतर बस्ती شامل ہے جے کرے جے اساں تو مختصر طور بیان کروں تو خود شناسی خدا شناسی وطن پرستی انسان دوست کی خدمت دیکھل یہ ہے کہ ملتان تصور ہے ان یہ انہوں نے ایک حافظ دنیا کے حافظ وہ ایک یونان کے لے کے خیال پرست صوفی اور تصور پرست یہ وہ اتا کلے صور بنا سے صوفی خیال کا کچھ اسے یورپی مذہب کی नजरियाती तो सब क्या कुछ उसूल है इडी पे इससे भी कहीं कहते हैं बहुत जी जाओ रखने का इन्हें भी कुछ सोच रहा हो बड़े बड़े हो सेकले हो जब भूमि के जब ये मज़ा भी नवा करेंगे इंसान भाईचारे में बच्चा कल छह साफ इस सुसाइटी जी जो सही जो इसे जिक्र किया है कहीं पे वैसे ना जो छह साफ इस सुसाइटी जा लेक्चर उठी ना जिन पर इन्हें सूफीज़म के प्रचार ने या उन्हें रवैये ने उन्हें मार्क्सिज्म ने उन्हें जा विश्वास है तो इस तरह से ऐसा किसको तो सूफीज़म की ताकि कैसी उन्हें था वो तस्वीर जा मार्क्सिज्म की ताकि कैसी तरह जिके तस्वीर जा रवैये जो हैं या बोले रीस और उसूल जो हैं उन्हें में हिम्मत अल्लाह ताला ने हुकुम की बात का जोर दो है और उन खिदमत खल के अवलत भी है उन्हें कहा कि मैं उन तजकिया हो जाने आला इखला की भूले इसके आप कर यानी सूफी कई पांच जो तजकिया तो आप पांच ही सफाई के आप पेन आला इखला की भूले पार आ सके उन्हें आप उन मालूम के दस दिन ऐसा रख सकते थे खल ऐसी तरह ही उन्हें जो बोल हुआ है उसमें वो हकीकी इश्क में फना है या ये तरीके तो इंसान जो इंसान इश्क में फना था या इंसान की खिदमत जो हुआ आवाज उठा
सरमाएदार जिको सुख चतो हो बुनियादी तौर ते जुलुक जो आवाज उठाने में बुनियादी सुख में शामिल हो सरमाएदार जो नुकसान हो रियासत की जब जी हजरत के हो तब का नजरिया की नजरी मसाई भी इंतहा पसंदी जो हम खिलाफ हो एली ते वो पंज ख्याल ते होड़ करम वाली रवश को ना रस्ता करा ये सुसी बना और ये उन्हें भी बना तो जो के साथ मना जी ऐसे लोग से तो ये थे तो सूफी नम खाए या सूफी जो ये लेकर इखलाक को सुन किता हमारा सारे को इन तरफ सूफी जब जो तो है या तो सो या सूफी जो जो इखलाक की हवा है या सूफी जो जो इखलाक की कृपा है वो असल में समाज के की तब्दील कर सके समाज के तब्दील करने वाले फंड में असा के पंजे समाज जा तो वो असन मुल्की समाज में असन वो देखो वतनी समाज में आर्मी समाज में उन समाज के असन के दुनिया की कसम आ सकता है पर मुल्की वक्त में उन समाज जा दुनिया की मसला कर और उन मसले को हल में तो सोच करो के बाद अदा कर सके तो हकीकत में का अज साइंस दौर में जब दुनिया इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आई इंटरनेट टेक्नोलॉजी सब को सुपर की फोरी थी हो रहा है आई अरे वक्त में दुनिया में मानव के मसल का वक्त है तो जितने तेरे में असर थे नजर नजर का नहीं कर सके देखो ये हर वक्त समूह दुनिया का देखे आम मसला है अक्षर जेका समाजदार तक है जेका मल्टीनेशनल कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी दौरा दौरे करने जेका हवस पे राखी है प्रे साल मसलो वो तक का भी अंदर आती है उन्हें कहो तो प्रे में बच्चे समाज जो को अवल मसलो है आज तो ते उन्हें तो वो मजा ही बुनियाद पर सियाजी थे इसराइल हिंदुस्तान और पाकिस्तानी जेके मुल्क मजा के नाले दे आए उन्हें वो बधान गया मजा की बुनियाद पर सी असाने इकड़ो समझ सोच असल जो सोच हुआ है हकीकी सच के मिटा दिया और वो सच संग आ गया जो जो को सब बने की वजह से दिसूंगा जे करे जहाज है समाज में अगर जिनसी फेरा फेरा हुई और बन खा रहा है कि कोमु के अंदर मस्बत सकाफी और कैंसलर कर हो रहा वो और सामाजिक खिलाफ क्या जगह पे होगी होगी कि है सिंधी और जिम्मेदार नवाजी वादा उफाई दिलेरी पादरी ए किस्म जेकी बिना मस्बत को ही कच्चे रखे यानी कि खा की का दवा उन्हें भले बाज शिकार सिर्फ इन करे दुनिया में दौलत की थोड़ा दुनिया में ताकत की थोड़ा जी ने करे इसे मतलब ये बुनियादी असंगा मसला वो भी मतलब से एक मथे मसले के सबब आई नतीजे पे गौर करो असंगे खबर पड़ी उन्हें समूह मसले जो बुनियादी असंगे हेठा कयो साईं जे पंचा सां मसा मथे ज़िक्र था ना उन्हें मारी आम जेके बुनिया दिखे मसलन जेके उन्हें बुनिया दिन असांगे का समाज के इतिहास हम दिखें था लेकिन इन युद्ध में हमें इतना के सागे आई आम में जरा हस्तक जरा वृद्धि वृद्धि सके था आई ही दुनिया आई भाईचारे आई मसावा के इंसान के सबूत अमन जो एक खूबसूरत बात बन सके थी जिले हर कौम पंजी सकाफत कल्चर का रंग आई खुशबू खे मोहब्बत सा धरती के गुल के
प्यार प्रेम सागर घर लाइ कुछ नज़रिया ऐं उसूल तस्लीम कया
इंसान के घोड़े कदीम कानून की बेअमी नजरियाती तंग नजरी सबब फिक्र नजरिया बजाय कौम मुल्क मानों में गलियल सोच गलियल अमल तावन बजाय तरक्की से रहने की सलाह पैदा कर वफाक तासुफ चेटाभेटी के बनाए अज जो हर घोड़ो हर घोड़ो हर मैदान वह दावा करे तो बाकी सब पूरा जब हकीकत में युक्त है समूरा नजरिया फिक्र इंसान की भलाई लाए रुगो को जरूरत होते आ गया है इंसान पान में साफ है जरूरी हो पास कर दो शांत रहे सो जब आलू तो पान साफ है गैर जरूरी रवैये में हो आत्मा के इतना इंसानी तारों भरा तरक्की इंसान ने तक आलमी अमूल जरा मकसद से सलाह से हासिल कर सकूं था जो देखो जिक्र पे को जो सजो दो ताकत हासिल कौन सब के दिया जो आलम को देखो एड़ो फिक्र जो को कम के इतनी हार के अपने घर खाई नहीं सके उन दो जी बोल का दौर में इतना हिसाब होता है यानी ये आलम तो से दुनिया में को फिक्री और नजरिया की बुरा हो चुका है इंसानी तहजीब तारीख की इर्तका पे नजर मू शुरू समाज का तरक्की कई धरती के सिरे के सब का मुनद इंसाफ मसलत इंसानी के रसूल से पान एक सरदार थे उनके फिकार बराबरी के बुनियाद से ग्रहण मुख्यार ये हिंदी दुनिया में कुछ उसूलों को बुनियाद दिया ऐ ऐ तरह इंसान पर जरूरत ऐ स्मॉल को खत्म करो उसूल कहीं तो जेके अत्ते दुनिया में बोले बोले तो फिक्र ऐ राष्ट्र का मोड़ बन गया ऐ हिरोस पे ये दुनिया घर खुदा जे मसाबी अकीदे का बची एक खाल के कहेगा ऐ मादी साइंस जे तजुर्बाती तरीका का बची जितने की बात जे फिक्र अपना रहा उदी चुकी है और हर वक्त दुनिया में कभी कबाइली जागीरदारी सरमायादारी और सोशल दौर आया है आलमी तौर पर ही दुनिया बिलो भजन जंगल के मौजूद हो चुकी है हाँ सर जंगल खाते में खाओ समूह दुनिया के ऐसे फिक्र नजरे की बोल हुआ है जो कुछ ज़ेनी इत्तेसादी ऐ नजरिया की गुलामी में निजात जाती है सो मोदी सोच पर मोदी का दौर है आलमी इंकलाब की तस्वीर को फिक्री आए जो को मजूम को मजूम फर्द गुलाम होकर के दार हो ये तो भी हम आजाद कर सकते हैं तस्वीर ये तो थोड़े हर मुल्क जो बकोल साईं जेम्स जे साईं जेम्स जो किताब में तसव्वुफ से तमाम घणो वाद सां दूर हो त साईं बकोल साईं जेम्स जे सिंधी सिंध ई उहो आहे जेको आहे जितां आई इंकलाब जो सिज हो सो सूफ़ी शायर मखदूम बिलाल ऐं शायर जी जो फिक्र फिक्री नजरिया की खत्म करें दुनिया के फिक्र
जेकर चेदर वेला नमस्कार जबरदस्त नमस्कार चुनाव के शिक्षक हैं
अमली पासे सभी नजर अचे जी लतीफ साहब जी ये सुझाए तो खटी के हार हद तो जो ही यानी कई शब्द था इन जान में शब्द करो सूफी जी तालीम के जेकर मुख्तस तौर शहर हो गए बुनियादी थंब इश्क सूफी जी जिंदगी जी इत्तदा इंतहा इश्क मोहब्बत है इन जी नजर में इश्क इबादत है रियाजत है इश्क खुदा भी है इश्क खुद ही है उन जो सूफी जो मरण जी बस अल्लाह पर गया है मोहब्बत जो जो सारा वो इंसान से सब खा करी यो थे तो उन जी जिंदगी के एक मकसद मानवियत पैदा वो जिंदगी के मकसद के समझना जो इश्क इंसानी जिंदगी थे तो एक आशिक की हैसियत में समाज जो जिम्मेवार फर्ज बंद कर कदम अड़ो न कर पसंद कर जैसा संदस किरदार अखलाक थे हर्फ अचे अड़ी तरह एक आशिक मालूम हुआ मकसद का जिम्मेवार हुआ सब इखलाकी दुरुस्तगी तरफ तवजो इश्क जो टों असर इंसानी जिंदगी आशिक आशिक सूफी की नजर में पत्थर सोच बराबर पत्थर सोन मोहब्बत जै शे से मोहब्बत करे तो इंसान से मोहब्बत करे तो खुदा से मोहब्बत करे तो अमृत उनके दौलत ताकत जिंदगी में पत्थर विकासिक पत्थर सोन बराबर यानी मौजूद मकसद का सवाल भी हर शे बेकीमत अजाई रही थी मकसद हयात मौजूद के मिसाल से हर वक्त जुस्तजू में रहे जैसे मटस दुनिया की असर रसूख माल दौलत की कासियत से नी रही अड़ी तरह वो पैं आला इखलाकी उसूल सब समाज जो बेहतरीन फल थी पड़े मन जो सुफियन जो इश्क वो मोहब्बत वो जो इंसान के इखलाकी किरदार के सुधार संवार में कम उन सूफी जो बो इखलाकी उसूल है वो है खिदमत खल सूफियन की अमली जिंदगी से नजर कभी तो उन्होंने जिंदगी खिदमत खल्क वक्फ कर लखे मानों के नफ्स की गुलामी में कड़ी आला इखलाकी आजादी वी सूफी मानों के जिंदगी के असल मकसद मौसम का वाटर पा खेन नफरत तंग नजरी तासुब कुफ के जानवर कभी अमन लाश्ती मोहब्बत की दुनिया का वाकस कराया जो सूफी जो कौल है जैसे
कोई माण्हू कुझु रस्ते में पंडा रखे त दूर जी राह में पंडा लख घुरिजे। सुफ़ी जो चवंदा आहिनि जेकर को माण्हू तुंहिंजे रस्ते में कंडा रखे त तूं हुन जी राह में कंडा न त घुरिजे। छाकाणि जेकर हिकु इंसान ॿिए इंसान जे रस्ते में कंडा रखणु शुरू कया त पोइ कंडनि जे बदिले में कंडा रखंदे समूरी दुनिया कंडा बि न पूरी। उन लाइ ज़रूरत जो ॿियो उसूल आहे हिकु सचे साल खे नेक तोड़े बदिले यादि रखणु घुरिजे त उहो नेक सां नेकी करणु चङाई जे बदिले में चङाई करणु इहो वापारु पर बदे सां नेकी करण इहो ख़िदमत ख़लक़ आहे। पर सचे साल खे नेक तोड़े बद इन्हीअ सां नेकी करणु घुरिजे जीअं लतीफ़ सरकार फरमायो आहे चङा कनि चङायूं मदायूं मदन चङा कनि चङायूं मदायूं मदन जो वणु जुड़े जिनसी सो वणु सही सचे कूड़ जी जंग में असांखे हमेशह हक ऐं सच जो रस्तो वठणु घुरिजे न कि बुरे ऐं बुराई जो पासे। सो अहिड़ी तरह हिन समाज में ख़ैर ऐं चङाई जो प्रचार करण ई हक़ीक़ी ख़िदमत ख़लक़ आहे। बुराई जो रस्तो रखण ई सभ खां वॾी चङाई आहे। यानी समाज में ख़ैर ऐं चङाई जो प्रचार करण ई हक़ीक़ी ख़िदमत ख़लक़ आहे ऐं बुराई जी ऐं ज़ुल्म जी जो रस्तो रखण ई सभ खां वॾी चङाई आहे। अहिड़ी तरह जीअं असां पाए त पहिरियों नुक़्तो मुहबत इश्क आहे, ॿियो नुक़्तो ख़िदमत ख़लक़ आहे, त टियों नुक़्तो हलण वटि तज़किया आहे नफ़्सिया बहितर इख़लाक़ी क़दुरु ऐं बहितर इख़लाक़ी गुण पंहिंजे किरदार में शामिलु कंदा। यानी सूफ़ी जेको तज़किया नफ़्स शुरू करे थो ॿिए ते टेंडो खणी नथो बीहे त अॻिते तूं करे यानी उहो अमली तौर ते पहिरीं पाण पंहिंजो तज़कियो करे थो पहिरीं पाण अलाए इख़लाक़ी गुण हासिलु करे थो उनखां पोइ ॿिए ॿियो पंहिंजो पाण ॾिसी मंगे थो। सूफ़ी वटि सभ खां जेको पहिरियों उसूल आहे उहो इहो आहे त नफ़्स बिरजा नफ़्स बिरजा यानी ख़ुदि तरक़ी नफ़्स बिरजा मां मुराद आहे त ख़ुदि तरक़ी पंहिंजो पाण ते तरक़ी नज़र ॾियो पहिरीं पंहिंजा अमल सुधारियो पंहिंजो इक्साब कयो आला इख़लाक़ी क़दुरु अॻु में पाण अपनायो ऐं पोइ ॿियनि खे तरक़ी ऐं तबलीफ़ कयो। जंहिं करे समूरनि सूफ़ी अॻु में पाण इल्मु हासिलु करणु यानी सूफ़ी जो जेको अहम रुतो उहो आहे इल्म जी हासिल आहे। जेकॾहिं सूफ़ी अॻु में पाण इल्मु हासिलु करणु ऐं अंदरि उजाण जो सबबु थींदो आहे सचनि सूफ़ियुनि वटि तसव जो हिकु मुकमल इख़लाक़ी हिसाब थियो उन ई करे दुनिया जी समाजी तारीख़ में सूफ़ियुनि जे कारनामनि ते जेकॾहिं नज़र हुजे उहे असांखे हेठी तरह नज़र ईंदा। जेके बुनियादी टे उसूलनि इन्हनि उसूलनि खे अपनाए ॾे सूफ़ी जेके दुनिया जे अंदरि कमु कया उन जे कारनामा अंजाम कया उनजी जेकॾहिं असां नज़र ॾिसूं था त असांखे हेठां अमल समाज में नज़र ईंदा। जेके सूफ़ी समाज खे बहितरी ॾांहुं या समाज खे तब्दील करण लाइ उहे अमल कया उहे इख़लाक़ी उसूल कया। पहिरियों इहो सूफ़ी हर ज़माने कहिड़ो ज़मानो हुजे हर ज़माने में मज़हबी तसुब ऐं कफ़र के बाज़ी जे ख़िलाफ़ु पंहिंजो आवाज़ बुलंद कयो। उन लाइक़ाफ़ी दीन में कंहिं सां ज़बरदस्ती न कयो आहे उसूल ते अमल कंदे उन्हनि हर ज़माने में मज़हबी तसुब ऐं कफ़र के बाज़ी जे ख़िलाफ़ु पंहिंजो आवाज़ बुलंद कयो। उन खां पोइ सूफ़ियुनि उहा तालीम जेका आमतौर मदरसनि ऐं मस्जिदनि में ज़िबानी तौर ॾिनी वञे थी पाण ते अमल करे ॾेखारियो आहे। उन खां पोइ ॿियनि खे ख़ुदा राग करण जी कोशिशि कई। टियों सूफ़ियुनि अदम तशद अहिंसा ज़रिए इंसानी ॿधी ऐं एके जो पैदा कंदो आहे। उन खां पोइ सूफ़ियुनि जो सभु जेको सभ खां वॾो अज़ीम कारनामो आहे उहो इहो आहे त सूफ़ी ज़ालिम बादशाह ऐं हुकुमरान ख़िलाफ़ु रुगो बकाव जो ढटो भरो कयो पर अमली जदो जंहिंजो मिसाल इहो आहे त नक्शबंदी सिलसिले जो भाई मुजद्दिद अलफ़सानी उन वक़्तु हिंदुस्तान जो जेको मुग़ल बादशाह नालो सिरी आहे जेके मुस्लिम
उन मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर उन वक्त मुगलिया दरबार में जो बादशाह के ताजिमी सजो यानी रुकवारी हालत में जो भी ताजिमी सजो कर लाजमी हूँ उन वक्त मुजद अलस्तानी जो तमाम वो हिंदुस्तान में चर्चो तमाम वही उन सूफी खान का उन औरंगजेब आलमगीर चाहे भी उनकी हाजिरी थी अचे दरबार खबर बादशाह उन्हें खबर ही बाकी मामा ये कौन झुक उन्हें को दरवाजो एड़ो थड़ा है दरबार में दास थड़ा है जुटा मरू झुकी अंदर दास है मतलब ऑटोमेटिकली तेरा उन दरवाजा गुजर रहा तो बादशाह के सिर को ताजी निकली है मुझे तो मेरे सारे तो बिठो हूँ समझा हो उन्हें बिठो ही तेरे बादशाह दरवाजो हरा हुआ है ये इन्हें कहीं तो दिए उन्हें के बाद सेटों के बाद पाने छाक हेट भी है किसी पाए मतलब सेटों के पाए रही वही इन दरवाजे में गुजरिया और औरंगजेब आलमगीर साहब के ताजी में सैटो जो हुआ करण था इनकार कर सी पर सूफी ने जो सबका हो जो गाना हुआ 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 उन्होंने जालिम बादशाह आई हुक्मरान के बरगो भगवान जो झंडो बुलंद कयो पर अमरी जदो न लगे कितना ही सुजो मंसूर इलाज सूफी सरबत या बेहरा जगह आलमी तरह भी सूफी हुआ या अब्दुल अरबी जगह को फलसफा हुआ वो समूह इन पचास सा भर रहा है तो उन की जगह जदो जगह हो 80 स्टेटिस्टिक 80 रेस रैया उन तरह के जालिम बादशाह की हिमायत न कई उन का पो सूफी ने पंजे अमल के जरिए इंसान अजमत ए मोहब्बत जो दस दो जदे ता असन के जाहिर आलिम हुआ जिन दस्तार में आलमी जिन जहारी आलमन तशद जहाज के जरिए ये अफगान जहाज के लोगों ने फतवा दे दिया कि भाई जायदाद को या अक्सर का इनके जहाज को ना तो जिन जहारी आलमन तशद जहाज के जरिए फतवा में मजहबी तवसी तबलीग जो प्रचार शुरू करो तो सूफियन अंदरूनी इस्लाम खुद तक की थी दस के नस पे दो में मानों के इत्तदा जरा यानी मानों के जंग जंगल का परे करे उन्हें क्या तालम नहीं बो बकाए पाएगी आई इंसान को इस जगह साथ वह अलग है जहाज ये शहर के कैसे मजा दो बुनियाद ना है जनरल जाहिर आलम तशद आई जहाज के जरिए फतवों में मजा भी तवसी आई तबलीग जो प्रचार शुरू करो सूफी अंदरूनी इस्लाम तस के नफ्स ते दो ने मन के इत्तदा जिरा दिया सुफिन जो बियो गालो में पाए हमेशा सरमायदारी जी मुखालफत की उनन तक्वा ऐ दौलत जी विरासत ते जोर दिनो उनन सरमायदारी जी मुखालफत की सुफिन वक्त जे जालिम बादशाह के इंसाफ कर ऐ आला अखलाक इख्तियार करन दी तालीम दी जदे त उने उपकरण गुना पिंडत पादरी नफाक ऐ नफरत जो बिज छक रहे हो समूर मजहब जो सुफिन दे जी बादाने त ऐ हिकड़ा जो सबक जो जे के सा फलसफा ए बादन जो जो यानी हु चोदा त हर मानु देखो हो खुदा परस्ता है ऐ ने खुदा या नाला मुख्तलिफ थी सके जा ये लतीफ सही फरमाया कि एक किसर दर लख कोने एक रस बिठ ये ना करे फर्क तेरा साहिब सम यानी यो बदत मुती दी सुफा तो बाबा ही कायना ही दुनिया इने माला तो सुना इने में हजारे की फूल बताले रोशन दान जड़ी जिता पाए किथा पाए खुदा जो नूर नजर आ की सके किसर दर लख कोने एक रस बिठ जरा करे फर्क तेरा साहिब सम।